पिक्सल स्नैप दिस साइड। और गाइस आज हम करने वाले हैं एक रियलिस्टिक फ़ोटो एडिटिंग पिक्सआर्ट और लाइटरूम पर। सो मैंने अपना बैकग्राउंड ये खोल लिया है एंड आप ये देख सकते हैं मैंने अभी इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं किया है। ये बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। उसके बाद गाइस अब हमको सबसे पहले इसमें डालना है थोड़ा सा ब्लर, क्योंकि गाइस जब हम इसमें अपना सब्जेक्ट को ऐड कर देंगे तो फिर हम इसमें ब्लर नहीं डाल पाएंगे, इसलिए हमें पहले डाल लेना। मैं यहाँ से सबसे पहले आया इफ़ेक्ट्स पे, उसके बाद हम गए ब्लर। देन यहाँ पे आपको दो टाइप्स के ब्लर जो यूजुअली काम आते हैं वो है ब्लर और लेंस ब्लर। हम लेंस ब्लर यूज़ करेंगे। इसका रेडियस हम रखेंगे 20 और थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 18 इज़ लुकिंग गुड। उसके बाद हम इसे नीचे के पार्ट को थोड़ा सा इरेज कर लेंगे ताकि ये और ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगे, और ये हमने इसे इरेज कर लिया। फिर हम ओपेसिटी थोड़ी कम करके फिर से इसे इरेज करेंगे तो ये थोड़ी फेड होते होते चले जाएगी। देख सकते हैं गाइस अब डिफरेंस, ये थी ओरिजिनल, ये आफ्टर ब्लर। फिर इसे राइट कर देंगे। फिर हम यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, ऐड फोटो पर जाते हैं। गाइस मैंने अपनी सब्जेक्ट इमेज को कट आउट पहले से कर लिया है। अब आई थिंक आपको कट करने तो आता ही होगा पिक्सआर्ट से और एनी अदर एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है प्ले स्टोर पर और पिक्सआर्ट पर भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगर गाइस आपको इसका भी एक ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब गाइस हम इसमें अपने मॉडल को परफेक्टली साइज करके ऐड कर लेते हैं। ये देखिए गाइस इसमें बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है। गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम एक परफेक्ट बैकग्राउंड विद परफेक्ट लाइट चूज़ करें अपने सब्जेक्ट के लिए। तो मैंने वही किया, एक सनलाइट पे ली गई इमेज है तो मैंने भी वैसा ही कुछ बैकग्राउंड ढूंढा है इसके लिए। अब गाइस आप देख सकते हैं मेरे फेस पर इधर से तो लाइट आ ही रही है जो सन की, पर पीछे वॉल के कारण यहाँ पे मैंने जब फोटो क्लिक की थी तो पीछे वाइट वॉल थी जिसके कारण यहाँ पे भी थोड़े थोड़े फ्रिंजेस आ रहे हैं फेस पर। तो उससे हम कैसे डील करें, तो सबसे पहले हम जाएंगे टूल्स पर, देन एडजस्ट पर। देन गाइस हमको क्या करना है, हमको पीछे से भी कुछ लाइट्स लानी है। तो गाइस हमें पीछे से भी इसमें लाइट्स लानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टूल्स पर जाके एडजस्ट को क्लिक करेंगे। फिर हम इसमें ब्राइटनेस को थोड़ी बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। फिर हम ऊपर जो इरेज का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके इन्वर्ट कर लेंगे। अब हमारे पास कोई भी इसमें इफ़ेक्ट नहीं डला हुआ है, अब हम उसे डालेंगे, साइज़ बढ़ा देंगे, ब्रश की हार्डनेस को थोड़ी कम कर देंगे और ये साइड से पेंट कर देंगे जस्ट लाइक दिस। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा लाइट वाला इफ़ेक्ट आ रहा है, जैसे पीछे भी रोशनी, पीछे भी सनलाइट अच्छे से पड़ रही है वैसा। तो अब ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा लुक दे रहा है, ये बिफ़ोर ये आफ्टर। अब हम चाहे तो इसे थोड़े राइट की तरफ भी ऐड कर सकते हैं, हम उसे भी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें भी ये आ गया है, अब ये और ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है। बाकी की कलर ग्रेड हम इसमें करेंगे लाइटरूम पर। यहाँ तक का हमारा पिक्सआर्ट का काम डन हो चुका है। वैसे बेसिकली और जो कुछ कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं डॉज एंड बर्न वगैरह, वो ऐसे सनलाइट इमेजेस पर ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं जिसके कारण मैं उसे ऐड नहीं कर रहा हूँ। बाकी के आगे ट्यूटोरियल्स गाइस रेगुलर जब मैं आऊँगा यूट्यूब पर तो आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊँगा, पर फिलहाल के लिए तो इसी पर वर्क करते हैं। अब गाइस हम इसे सेव कर लेते हैं यहाँ पर सेव ऑप्शन पर जाके गैलरी। सो गाइस वी आर बैक इन टू द वर्ल्ड ऑफ लाइट रूम कॉपीड पिक्सिम परफेक्ट। तो गाइस अब हम इसमें कुछ बेसिक एडजस्टमेंट करेंगे जिससे ये और ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। सबसे पहले हम लाइट्स के साथ थोड़ी प्ले करते हैं। एक्सपोजर तो ऑल राइट है, कंट्रास्ट इमेज की थोड़ी सी कम कर लेते हैं अप्रॉक्स 10। हाइलाइट्स को इंक्रीज़ कर लेते हैं क्योंकि ये एक सन वाली इमेज है, इसमें ज़्यादा हाईलाइट डिक्रीज़ करेंगे तो ये पूरी फिल्म लुक पर आ जाएगी जो मोस्टली लोगों को पसंद नहीं आएगी, इसलिए हाइलाइट्स को थोड़ी बढ़ा देते हैं क्योंकि एक सनलाइट इमेज है। देन शेडोज़ जो कि बेसिकली द डार्क पार्ट्स ऑफ आर इमेज, हम उसे थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेते हैं तो फोटो थोड़ी ब्राइट लगेगी। एंड गाइस ये तो सिंपल वाइट्स एंड ब्लैक्स है जो कि सब जानते हैं। फिर अपन कर्व्स में आ जाते हैं। गाइस मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि ये नीचे जो
चार बॉक्स दिख रहे हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे शेडोज़ को, और ऊपर के चार बॉक्स हाइलाइट्स को। हमको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, आई थिंक दो पॉइंट्स में काम हो जाएगा, एक नीचे एक ऊपर। फिर गाइस आप इसे, ये हाइलाइट्स है, आप इसे इंक्रीज़ करेंगे तो ओनली जो वाइट, जो ब्राइटर पार्ट है इमेज की, वो इंक्रीज़ होगी, और नीचे वाले जो पार्ट है वो शेडोज़ है। तो शेडोज़ मतलब ये देख सकते हैं आप, डार्क पार्ट में थोड़ी सेचुरेशन आ जा रही है, वो मतलब शेडोज़ में ओनली ब्लैक्स ही नहीं होते, उसमें कलर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए वो शेडोज़ कहलाती है। इससे हम थोड़ी सी फोटो में शेडोज़ को डिक्रीज करके हल्का सा मूडी लुक दे देते हैं। ये एक एस कर्व है, एस कर्व है जो मैंने बनाई है। हम हाइलाइट्स को थोड़ा दबा के शेडोज़ को बढ़ाते हैं। ये देख सकते हैं एक एस कर्व है, जो कि बहुत ही पॉपुलर कर्व है, बेसिक सी कर्व है, ज़्यादा कोई बात नहीं है। अब ये ब्लू ब्लू कलर की कर्व है, जो गाइस हम देखते हैं मोस्टली बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनकी पिक पे इस टाइप का टोन रहता है, थोड़ा येलोइश ग्रीन। हम इस कर्व से उसे अचीव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप एक बार लाइटरूम ओपन करके अपनी पिक पर यूज़ करके देखिएगा, समझ नहीं आएगी तो गाइस आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक पूरे वीडियो कर्व के ऊपर ले आऊँगा। देन हम इसमें आते हैं HSL पर, गाइस टेम्परेचर, वाइब्रेंस, सेचुरेशन, ये सब तो ठीक है, इसमें कोई छेड़ नहीं करते। सीधा आ जाते हैं गाइस ऑरेंज पर, ऑरेंज कलर पर। ये तो हमारा लिप्स वाले पार्ट को करता है, उसे हम थोड़ा सा सेचुरेशन इंक्रीज़ करके ल्यूमिनेंस को इंक्रीज़ कर देते हैं। देन हम आते हैं फेस के पार्ट पर, ये भी गाइस थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि हमारा फेस ब्राइट लगे। सेचुरेशन भी थोड़ी इंक्रीज़ कर ही लेते हैं, और जो येल्लो है वो हमारी इमेज पर कहाँ पर है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। देन जो ब्लूइश है, जो मेरी जैकेट जैकेट का कलर है, हम उसे भी थोड़ा डिक्रीज़ कर देते हैं। देख सकते हैं गाइस एक बहुत अच्छा सा लुक आ रहा है इमेज पर। उसके बाद गाइस हम आ जाते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स पर, जहाँ पे हम क्लैरिटी को डिक्रीज़ करके टेक्सचर इंक्रीज़ कर देंगे। थोड़ा स्प्लिट टोन में गाइस यहाँ पे भी हम कलर ग्रिड के एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है हमारे लाइट रूम के अंदर। हम यहाँ पे हाइलाइट्स को जो कलर चाहे दे सकते हैं। ये जो हल्का सा गाइस यहाँ पे जो कलर रिप्रेजेंट होता है वो तो मुझे इमेज में दिखता ही नहीं है, बट आई नो यहाँ पे हाइलाइट्स में हल्के ब्लूस आते हैं और शेडोज़ में भी हल्के रेड प्लस ब्लू मिक्स आते हैं, पर हमको ये नहीं चाहिए फिलहाल, हमको शेडोज़ में हल्के ऑरेंज ग्रीन चाहिए। तो ये हमारे फोन फोटो पर आ चुके हैं, देख सकते हैं गाइस बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद गाइस हम इसमें करते हैं थोड़ी सी विगनेट ऐड, उसके बाद हम जाएंगे इसमें शार्प कर लेंगे फ़ोटो को, नॉइस रिडक्शन थोड़ी सी डाल लेंगे, उसके बाद ग्रीन अमाउंट को थोड़ा सा। गाइस ये सब बेसिकली जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मुझे जैसा पसंद होगा मैं वैसा कर रहा हूँ। आपको जो पसंद है ग्रीन डालने हैं डालिए, नहीं डालने मत डालिए। क्लैरिटी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जिसको थोड़ी ज़्यादा HDR लुक पसंद होगी वो उसे इंक्रीज़ करके टेक्सचर को कम कर सकते हैं ताकि एक अच्छे से लुक दिखे, बट मुझे तो ये कम में ही अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस ओवरऑल हमारा एडिट जो है वो होने वाला है, हम एक ग्रेडियंट बना लेते हैं जो कि नीचे से थोड़ी डार्क लाएगा, जो कि एक मस्त सी सिनेमेटिक लुक लाती है पिक्चर पर। एक्सपोजर डिक्रीज़ कर देते हैं, कंट्रास्ट इंक्रीज़ और सेचुरेशन को थोड़ा कम। गाइस ये देख सकते हैं हमारी पिक्चर बहुत ही ऑसम एकदम लुक आ रही है, ऑलमोस्ट डन हमारी पिक्चर, अब हमें इसे सिर्फ पोस्ट करना है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।